हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो राजेंद्र सर, मैं निलिमा बोल रही हूँ। मैंने लिंक्डइन पे आपको पिंग किया था लास्ट वीक। हेलो। हेलो राजेंद्र सर, निलिमा बोल रही हूँ। हाँ मैंने जी। हाँ लिंक्डइन पे पिंग किया था आपको लास्ट वीक। जी। हाँ जी। मैं एक मिनट जी ना, मेरे फोन का स्पीकर खराब हो गया। मैं एक बार हैंडफ्री लगा लूँगा, एक सेकंड के लिए। हेलो। हेलो, हाँ जी बताइए। यस, इज इट गुड टाइम टू टॉक? हाँ, बोलिए बोलिए। तो मैंने आपका कोरा पे आंसर पढ़ा था रिगार्डिंग वो फाइल जो निकलता है मॉर्निंग में, येलो आंसर। हाँ जी। हाँ जी, तो सर मुझे उसी के लिए डिस्कस करना था। आपने कहा था कि अगर और कुछ क्वेरी हो तो आपको मैसेज या कॉल करे। हाँ जी। कोई बात नहीं। हाँ जी तो सर, आपकी एज कितनी है? 32 कब से ये प्रॉब्लम? सर, मुझे 7 साल से। 7 years। हाँ, बट मेरे सारे एंडोस्कोपी वगैरह सब नॉर्मल है। हाँ, ठीक है। और आपका हाइट और वेट कितना है? हाइट इज 5'4" एंड वेट इज अराउंड 63। ओके। आपने कभी डाइटिंग किया है? सर एजिंग तो कभी नहीं किया मैंने। डाइटिंग एक्सरसाइज? सर मैंने अभी रिसेंटली, जब मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, स्लीपलेसनेस होने लगा था एसिड की वजह से, तो मैंने जॉगिंग स्टार्ट किया है। 1 महीना हो गया है, एवरीडे प्राणायाम करती हूँ मैं। कम उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ी है, कम हुई है? हुई है सर, कम हुई है तो कितना कम हुआ? काफी कम हो गया है प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम ये था कि मेरी हिस्ट्री की वजह से मेरे को थोड़ा सा एक एंटी डिप्रेसेंट दी है साइकेट्रिस्ट ने, कब से ले रहे हैं वो? 1 महीने से। बस वो दिन में एक बार लेनी होती है, तो आपको ये बट मालूम नहीं चलेगा कि आपको उससे फर्क पड़ रहा है या फिर जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पड़ रहा है, क्योंकि दोनों एक से 1 महीने से चालू किया आपने। आप पूरे दिन में सर पानी? उसके बावजूद सुबह मुझे बाइल का प्रॉब्लम होता है। इंटेंसिटी थोड़ा कम है बट होता है प्रॉब्लम। आज भी जैसे मैंने, मेरे को काफी ज्यादा एसिड निकला, बट एक 4-5 दिन से मैंने रात को आधा कप दूध पी के सोना शुरू किया है, तो उसकी वजह से बहुत रिलीफ है। वार्म मिल्क देखिए, उसकी जो या जो भी आप कह रहे हैं रिलीफ वगैरह, वो सब के सब टेम्परेरी होते हैं। उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। ऑलराइट, ओके। हाँ वो आपको, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो जो चीजें आपने ट्राई करी है, दुनिया में करोड़ों लोग ट्राई कर चुके हैं, उनको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता कभी भी। नाउ कमिंग बैक टू, आपका फ्लूइड इंटेक और खाने पीने का और उठने बैठने का क्या शेड्यूल है? मतलब उठने बैठने का, किस समय सोते हैं, किस समय उठते हैं, क्या उसका क्या शेड्यूल रहता है, वो ब्रीफ में बता दीजिए। तो सर मेरा एक्चुअली मेरी एक 13 महीने की बेटी है, तो मेरा स्लीपिंग शेड्यूल ऐसा है कि 12-12:30 तक मैं सो जाती हूँ। आप फिर सुबह, वर्किंग और हैं? हाँ जी वर्किंग है, हाँ जी। घर से ही काम कर रहे हैं। 10 to 4 मेरा वर्क टाइम है, और ओके। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो मेरा 10 से 4 वर्किंग है, तो मैं रात को 12:30 सोती हूँ, सुबह 8:30 बजे तक उठ जाती हूँ, 8-8:30 तक। एट आवर और स्लीप या बराबर उसके भी कहते हैं, बाद तो स्लीपनेस हो रही है आपको? तो वो तभी हो रही थी, क्या हो रहा था कि मेरे को ना सुबह ऐसे घबराहट होती थी, नींद खुल जाती थी, फिर मैं वॉशरूम जाती थी, मोशन आता था, मोशन के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वॉमिटिंग आई। तो जब तक वो बाइल, और अगर मैं एक हर घूट पानी पी लूँ तो जब तक वो पानी बाइल के साथ नहीं निकलता था तब तक मैं बैठ नहीं पा रही, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। बट अब नहीं है वो प्रॉब्लम। अभी कैसा है, अभी उठने के बाद मुझे जैसे 3-4 दिन कुछ नहीं हुआ था, आज लेकिन उठने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई नीड टू थ्रो अप, मुझे वॉमिटिंग आएगी। फिर मैंने 1 गिलास पानी पिया, ब्रश किया, तो वो पूरा बाइल के साथ निकला, बिल्कुल येलो है। एनीवे, फिर सुबह 8:30 उठकर क्या करते हैं आप सबसे पहले? वो प्राणायाम सर, 9 से 9:30 मेरे प्राणायाम की क्लास होती है, तो आप कर तो रहे मैं हैं, पहले प्राणायाम, क्या कर? अच्छा चलिए, पहले का बता दीजिए, 1 महीना पहले का। पहले तो कुछ नहीं करती थी मैं। 9 से 10 बजे तक अपनी बेटी के पास ही लेटी रहती थी। 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होता था, 10 फिर मैं नाश्ता करती थी अराउंड 10:30-11। नाना और वगैरह, जी बात वगैरह? वो 11 बजे के बाद। ओके। 10 बजे आपका ऑफिस का काम शुरू होता था हाँ जी, तो और फिर खाना? 15 मिनट का जो ब्रेक मिलता था, मैं 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होता था, 10:30 बजे नाश्ता करती थी, 11-11:30 बजे नहाती थी,
डेढ़ बजे लंच, डेढ़ या दो के बीच में लंच, उसके बाद 4 बजे चाय, 5:30 बजे कुछ ऐसे नाश्ता जैसे पोहा या सैंडविच, और 9:30 बजे तक डिनर, क्योंकि मैं तभी जॉगिंग, सॉरी तभी जॉगिंग नहीं जाती, 9:30 बजे तक डिनर होता था, 9:30 बजे तक जी। तो पहले बहुत खराब था शेड्यूल। पहले क्या था? बहुत खराब था शेड्यूल। अच्छा, ये पहले का बता रहे हैं? जी जी, पहले का बता रहे। एक बार ओके, मैं बाद में सुन लूंगा दोबारा। और अभी क्या है? अभी कैसा है? अभी मैं 8:30 बजे उठती हूँ, फिर 9 बजे मेरी प्राणायाम की क्लास होती है। और बाहर जाते हैं तो ऑनलाइन होती? नहीं, घर पे ही, ऑनलाइन ऑनलाइन। ओके। 9:30 बजे फिर मैं 9:30 बजे वो खाती हूँ, पीके हुए बादाम खाती हूँ 4-5। 10 बजे मैं चाय और बिस्किट लेती हूँ, और 10:15 तक मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है, पराठा ही खाती हूँ मैं मोस्टली। कितने पराठे? एक पराठा और सब्जी, और उसके साथ फिर थोड़ी देर में दूध ले लेती हूँ बॉर्नविटा डाल के। देन अराउंड थोड़ी देर बाद लेते हैं दूध? हाँ, थोड़ी देर बाद लेते हैं। उसके बाद उसके बीच में फिर 12:30 बजे तक एक हाथ फ्रूट ले लेती हूँ मैं, कोई भी, मौसम्बी या एप्पल। और फिर 2:30, 2:15 के करीब मेरा लंच हो जाता है 2:30 बजे से पहले। 4 बजे चाय होती है, 5:30 बजे कुछ नाश्ता वगैरह, लेकिन 4:30 से 5:15 तक मैं जॉगिंग जाती हूँ। पहले मैं लेट जा रही थी रात को जॉगिंग, अब मैं 4:30 से 5:15 जॉगिंग जाती हूँ। आई रन अराउंड 2.5 किलोमीटर। उसके बाद आपने लाइफ में इससे पहले कभी एक्सरसाइज नहीं करी स्कूल में, कॉलेज में? तो बीच में की थी, बीच में मैंने योगा वगैरह किया था, बट फिर कंसीव करने के बाद मैंने छोड़ दिया। नहीं, स्कूल कॉलेज में नहीं किया कभी? कुछ नहीं, स्कूल में पीटी होती थी, इसके अलावा कभी कोई एक्सरसाइज। स्कूल में क्या होता था? पीटी? पीटी एक्सरसाइज होती थी, उसके अलावा कभी नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, कभी। स्कूल में पीटी रोज होती थी, कभी कभी होती थी? वो हफ्ते में 2 दिन। ओके। आपने स्पोर्ट्स वगैरह में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। और कभी रेगुलर वॉकिंग वगैरह भी नहीं करी? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी। बीच में ऑफ एंड ऑन जिम करती थी मैं, बट वो रेगुलर कभी नहीं रहा, सिर्फ 2-3 महीने कर लिया, 4 महीने कर लिया, फिर सिचुएशन की वजह से छोड़ दिया। आपके वेट में फ्लक्चुएशन कब कब हुआ है? पार्डन? आपके वेट में फ्लक्चुएशन क्या क्या रही है पिछले 10 साल में, कब कब हुआ है या कॉन्स्टेंट है? कॉन्स्टेंट ही रहा है ऑलमोस्ट, मतलब स्कूल कॉलेज से? हाँ, कॉन्स्टेंट ही रहा है, मतलब कोई फ्लक्चुएशन कभी हुआ नहीं है। तो मतलब स्कूल कॉलेज में भी आपका अप्रोक्सीमेटली इतना ही वेट था? तब तो कम था, मतलब ये तो अभी आफ्टर मैरिज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। कितना? 52, आई थिंक 5-6 किलो का फर्क होगा उससे ज्यादा, मतलब पहले आप 56-57 के आसपास थे। जी 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 जी। द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ इज सर, मेरा ये एसिडिटी वगैरह की वजह से लॉन्ग टर्म से टमी बहुत निकला रहता है, पूरा टमी बहुत ज्यादा टमी निकला, मतलब बाकी पूरी बॉडी इज इन परफेक्ट वेट। अच्छा, आप ये बताइए कि आप पूरे दिन में कितना पानी हो जाता होगा आपका पीना? पानी 0.5 लीटर। हम्म, 0.5 लीटर 500 पूरे दिन में? आप सिर्फ 500 ml पानी पीते हैं? हाँ सर, वो पानी ज्यादा पिया नहीं जाता है, अभी ट्राई कर रही हूँ मैं। आपके फॉर एवरी मील जैसे आपका लिखा था 500 ml पानी पीते हैं? हाँ, हर एक मील के साथ में जी। देखिए, चाय कितना है टोटल? पार्डन? चाय टी? दो बार। हाँ, दो बारी दो। देखिए, मैं आपको आउटरेटली एक दो चीजें सजेस्ट करूंगा। एक तो आप प्राणायाम और जॉगिंग छोड़ दीजिए। उठने के बाद में आप आराम से 5 मिनट चलें, और 5 मिनट को क्रॉस नहीं करें, 4 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के आसपास चलें। 5 मिनट चलने के बाद दोबारा से लेट जाइए बिस्तर पर, आराम करिए 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप 5 मिनट चले और 5 मिनट लेट जाए, फिर 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट जाए, 3 बारी के करीब कम से कम सुबह करें, और 3 बारी कम से कम रात को सोने से पहले करें। 3 की 4 भी आपका मूड हो तो कर सकते हैं, पर 3 बार तो दोनों बारी कर लीजिए। एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम वगैरह जो भी करें सब बंद कर दीजिए, कोई भी उसका फायदा नहीं, मैं उसका लॉजिक बता दूंगा आपको। ये जो 5 मिनट चलना और 5 मिनट लेटने का है, उसका भी लॉजिक बता देता हूँ आपको।
आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करा लाइफ में, इनिशियल इयर्स में, आपकी हाइट, वेट, मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं और बाकी सब चीजें होती हैं, वो 14, 15, 16 इयर्स तक फ्रीज हो जाती हैं। तो आपने जो भी अपने इनिशियल इयर्स में 14-15 साल में जितना हाइट गेन करना है वो कर लेते हैं, और भी जो भी पैरामीटर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास फिक्स हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका मेटाबॉलिक रेट होता है जो कि 14, 15, 16 के आसपास फ्रीज हो जाता है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करके या कुछ भी करके उसको एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। मे बी आप जॉगिंग कर रहे हैं, आपको कुछ बेनिफिट होगा कि आपके लेग के मसल्स ठीक हो जाएंगे, बट दैट ओनली बी टेम्परेरी। ठीक है, अब आपके जो लाइफ की जो हेल्थ होती है वो डिपेंड करती है कि आपके वाइटल ऑर्गेन्स कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं और उनकी हेल्थ कैसी है। वाइटल ऑर्गेन्स में ब्रेन आ गया, आपका लीवर आ गया, किडनी आ गया, हार्ट आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, और जितने भी लाखों सिस्टम अंदर के हैं, इंटरनल सिस्टम्स कह लीजिए मैडम, उसको, वो सिस्टम्स आ गए। यस हाँ जी, सो 5 मिनट्स वॉक करने का बेसिक पर्पज क्या होता है कि आपके बॉडी में जो भी स्टोर्ड एनर्जी है किसी भी फॉर्म में कहीं पर भी वो मोबालाइज हो जाए। और 5 मिनट्स के बाद रेस्ट करने का पर्पज ये होता है कि आप यूजली इस एज में 5 मिनट्स में थकेंगे नहीं। 5 मिनट्स आपने नॉर्मल वॉक करना है, कोई ब्रिस्क वॉक नहीं करना, तेज नहीं चलना, घर के अंदर ही चलना है। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं होता कि आप 5, जैसे 3 बार ही सुबह बोला है तो 3 बार लगातार ही करें। आप 5 मिनट चले, एक बार चले, 2 बार चले, आपको प्रेशर आ गया, आप चले गए, फिर ब्रेक हो गया, मतलब जैसे मर्जी कर लीजिए, ब्रेक करके करिए, 5 मिनट की जगह 10 मिनट लेट जाइए, 20 मिनट लेट जाइए, तो चलेगा। वो सब इरेगुलरिटीज सब चलेंगी। जब आप अपने आप को ज्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जो भी आपका फैट कह लीजिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए जो भी एनर्जी आपका मोबिलाइज होता है वो आपके वाइटल ऑर्गेन्स को सपोर्ट करने के लिए चलता है, और 5 मिनट्स में वो खत्म नहीं होगा, रादर एट द एंड ऑफ 5 मिनट्स आपको बेटर फील होगा। मेंटली भी आप ज्यादा खुश रहेंगे और फिजिकली भी आपको थोड़ा सा चुस्ती लगेगी, अलर्टनेस लगेगी। ठीक है, अब आप इस सिचुएशन में लेट जाएंगे तो जितना भी एनर्जी मोबिलाइज हुआ था वो उस समय खर्च नहीं हुआ, उसका इंडिकेशन ये है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं। इस स्टेज पर लेटने से क्या होगा कि आपकी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी आपके सारे वाइटल ऑर्गेन्स को मिलेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलेगी, आपके ब्रेन को मिलेगी, हार्ट को मिलेगी। आप जब इसको 1-2 दिन कर लेंगे तो आप जब 5 मिनट चलने के बाद लेटेंगे तो आपको फील होगा कि आपका हार्ट ज्यादा जोर से पंप कर रहा है, आपकी सांस डीप हो गई, आपका ब्रीदिंग स्ट्रांग हो गई, आपका मेंटल अलर्टनेस लेवल धीरे 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 इंप्रूव होने लगेगा। ठीक है, आपकी हेल्थ डिपेंड करती है वाइटल ऑर्गेन्स, तो आपका एनर्जी लेवल तो मान लीजिए आपको 1500 कैलोरी आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है आउट ऑफ फूड एंड वट एवर इज योर डेली रूटीन ना, तो अगर 1500 कैलोरी बन रही है तो आप बेसिकली इनिशियली क्या कर सकते हैं, 1500 कैलोरी से प्ले अराउंड कर सकते हैं कि आपका मान लीजिए इंटरनल ऑर्गेन्स आज की डेट में 1000 कैलोरी ले रहे हैं, 500 कैलोरीज आपके फिजिकल एक्टिविटीज मूवमेंट में खर्च हो रहा है, तो आप इस फिजिकल मूवमेंट की एनर्जी को सेव करके वाइटल ऑर्गेन्स को दे सकते हैं, तो उससे आपका मेटाबॉलिक रेट तेजी से बढ़ने लगता है। तो आप 1500 की जगह 1600-1700 अभी प्रोड्यूस कर सकते हैं धीरे धीरे, उसके लिए जल्दबाजी मत करिए। जैसे जैसे आपका ये इम्प्रूव होता रहेगा मेटाबॉलिक रेट, आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव होता रहेगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। दुनिया में इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। आप प्राणायाम करना चाहते हैं महीने में, 2 महीने में, मतलब हफ्ते में या 15 दिन में 1-2 बार कर लें, बट उसका कोई यूज नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज नहीं है। आपको जो भी फीलिंग होता है वो आप एक प्रॉब्लम को इधर से शिफ्ट करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। मे बी यू विल हैव सम रेस्पिरेटरी इश्यूज ऑल्सो लेटर ऑन बिकॉज ऑफ दिस प्राणायाम वगैरह से। दूसरा होता है फ्लूइड इनटेक, दूसरा है खाने पीने का। आप जो थोड़ा थोड़ा देर के बाद खाते हैं, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद, कभी आपने नाश्ता कर लिया, कभी दूध पी लिया, कभी आपने बादाम खा लिए, दैट इज ऑफ नो यूज। आप उसको इससे इक्वेट कर सकते हैं कि आपको खाना बनाना है, आपका 1 किलो सब्जी बनानी है, आपने बर्तन डाला, उसमें 100 ग्राम सब्जी डाल दी, 10 मिनट बाद आपने 15 ग्राम डाल दी, 200 ग्राम डाल दी, इस तरीके से करके आप इंस्टॉलमेंट में सब्जी डालते रहोगे तो नहीं बनेगी। ठीक है, आपने सब्जी सारी इकट्ठी डाली, उसके बाद उसका बनने का पीरियड है कि आपको घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, व्हाटएवर, तो वो इकट्ठा बनती है। इसी तरीके से आपके खाने को डाइजेस्ट होना होता है। इट इज नॉट कि आपने खाया और 15 मिनट में या 1 घंटे में वो डाइजेस्ट हो गया। द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज मिनिमम 4-5 आवर्स। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा तो भी 4-5 आवर्स लगेंगे।
अगर आपका डाइजेशन खराब है तो इसका मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप बीच में ना पानी पीजिए ना कुछ पीजिए, उससे क्या होगा कि जब आप बीच बीच में नहीं लेंगे तो आपकी कैपेसिटी एक टाइम पर खाने की धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप बार बार खाएंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव जूसेस है, एसिड्स है, वो नहीं बनेंगे, वो अनडाइजेस्टिड रहेगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी और उस इन्फ्लेमेशन के बढ़ने से फ्लूइड बढ़ेगा और इस तरीके का इनडाइजेशन के सिग्नल आएंगे कि आपको वॉमिटिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है। दूसरा, चाय छोड़ दीजिए, दूध छोड़ दीजिए बिल्कुल, दूध बिल्कुल भी मत लीजिए, इट इज नो गुड फॉर हेल्थ। ये जो भी रिलीफ्स होते हैं टेम्परेरी होते हैं, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तो माय बुआ यूज टू हैव एसिडिटी, तो शी यूज टू से कि दूध पीने से ठीक होती है, ठंडा पीने से ठीक होती है, वो कभी ठीक नहीं हुए आज तक। और ऐसे लोग करोड़ों में हैं जो लाइक अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो मेरे जो भी कॉलर्स होते हैं सबकी रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग के ऊपर फोटोग्राफ लगाकर, फोटोग्राफ इन द सेंस कि उस पर लिख दिया डिस्कशन विद द एसिडिटी पेशेंट एज इट इज, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर पोस्ट कर देता हूँ मैं। आप उसके ऊपर सैकड़ों लोग होंगे जो बोलते हैं कि जी हम दूध पीते हैं तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, हम दूध का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं एसिडिटी बढ़ जाती है। आप दुनिया की किसी भी स्टडी को रिलाई नहीं कर सकते। फार्मास्यूटिकल कंपनी जहां पर पैसे का इंटरेस्ट होता है उसमें गड़बड़ होती है। मेरा सबसे पहले तो मैं जिससे बात करता हूँ उससे पैसे का इंटरेस्ट नहीं है मेरा। दूसरा, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती। अगर मैं बीच में दूसरा कॉल आ गया, दूसरा ले लिया, तो कई बार वो कॉल भी बीच में ही आ जाती है, तो प्रैक्टिकली कोई भी एडिटिंग नहीं करते। कर सकता हूँ पर नहीं करते, मैं यूजली नहीं करता। हाँ, इन केस ऑफ लेडीज एंड गर्ल्स कुछ पर्सनल आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिलीट कर देता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू आइडेंटिफाई एनीबडी। द बेसिक थिंग इज कि लोग अपने आप देखें बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। प्राणायाम की जहां तक बात है, योगा की बात है, जिनको एसिडिटी या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती है, ऑलमोस्ट 50-60% पीपल कम बैक एंड से हम सालों हो गए करते हुए, कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ा सा होता है फिर उसके बाद दोबारा रिवर्ट बैक हो जाता है। सेम थिंग इज विद द एक्सरसाइज। आप जॉगिंग कर रहे हैं, सी आप यू विल आप इतना जॉगिंग करते हैं 2-2.5 किलोमीटर जो आपको आदत नहीं है, तो यू मस्ट बी टायर्ड, गेटिंग टायर्ड। आपने जो फिजिकल एक्टिविटी में एनर्जी वेस्ट करी, खराब करी, उसको जब आप रेस्ट करेंगे तो आपके वाइटल ऑर्गेन्स उसको रिकवर करने के लिए स्लो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि जब आप वो कर रहे थे तो आपके वाइटल ऑर्गेन्स हार्ट भी ज्यादा जोर से बीट करेगा, ज्यादा पंपिंग करेगा, पर वो पंपिंग वगैरह हार्ट के मसल्स को स्ट्रांग नहीं कर रहा, वो आपके लेग के मसल्स के लिए स्ट्रांग सपोर्ट कर रहा है। अगर आपके हार्ट के मसल्स स्ट्रांग होंगे, हार्ट अच्छे से पंप करेगा, तो लेग के मसल्स अपने आप ठीक होंगे, आप नेवी जॉगिंग करोगे तो भी स्ट्रांग होंगे। तो इसलिए जब आप वॉक एंड रेस्ट करेंगे तो आप अपना पूरा एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा, तो आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी। आपको हो सकता है ज्यादा नींद भी है, पर अवॉइड करिए ज्यादा सोना, 6-7-8 घंटे इज मोर देन इनफ। 8 घंटे को क्रॉस मत करिएगा पूरे दिन में, 24 घंटे में। ऑल राइट, ऑल राइट। दिन में आप रेस्ट करना चाहते हो, सोना चाहते हो, देयर इज नो इशू, बट ओवरऑल टोटल करीब 8 घंटे को क्रॉस मत करिए, 8-9 घंटे को। सर्दी है तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर फ्लूइड इंटेक, खाने के साथ पानी लीजिए, उसके अलावा फ्लूइड को बंद करिए ताकि आपका खाने का इंटेक बढ़े, क्योंकि आपकी बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट कर रही है जिसकी वजह से वॉमिटिंग या जितने भी डाइजेस्टिव होते हैं, एसिडिटी एंड ऑल दैट, नीचे ब्लॉकेज हो रही है। तो आप खाने के साथ अच्छे से 200-250 ml पानी पी लीजिए, और इस तरीके से आप रूटीन बनाइए कि सुबह 8 बजे खाना खाइए, दोपहर को 2 बजे खाइए और रात को 8 बजे खाइए। दिस शुड बी योर फिक्स शेड्यूल। टाइमिंग को बिल्कुल भी गड़बड़ मत करो। आपको 6 घंटे और बीच में कुछ भी नहीं लेना, और वेन एवर यू फील कि आप रिकवर कर गए, अच्छा हो गए, तो उसके बाद पानी का इंटेक बढ़ा दो, 2-2.5 लीटर कर दो, ओनली फॉर 1 डे। हफ्ते में कोशिश करिए एक दिन करीब 2.5 लीटर पानी पीने का, एंड वो पॉसिबल होगा अगर आप अपने आप को रेगुलेट करोगे ठीक से। और दिन में 3 बार सुबह 3 बार शाम को वॉक एंड रेस्ट कर लीजिए, शाम को, रात को सोने से पहले। तो उसके अलावा दिन में करीब करीब कोशिश करो 8-10 बारी और 5-5 मिनट का वॉक रेस्ट कर लो, 5 मिनट चल के 5 मिनट लेट जाओ। इससे ज्यादा ओवरस्ट्रेन मत करो अपने आप को। अगर आप इतना कर पाते हैं मोर देन सफिशियंट है, पर अगर आप 2 दिन कर लेते हैं छोड़ते हैं तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसको कोशिश करो कि लॉन्ग टर्म पर इसको कर लो, आपका बाइल वगैरह का जितना भी इश्यूज है डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा परमानेंटली ठीक हो जाएगा। इट मे टेक टाइम, आपको पहले 2-4 दिन में लगेगा पूरे 100% ठीक हो गए, वो नहीं होते। मैं हर एक को ये बोलता हूँ, इट टेक्स मिनिमम 3-6 मंथ्स, क्योंकि आपकी बॉडी में
सिर्फ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं हुआ, इसका इफेक्ट आपकी बॉडी के हर ऑर्गेन पर, हर सिस्टम पर पड़ता है। आप चाहे उसके लेग के मसल्स कहिए, आर्म के मसल्स कहिए, शोल्डर के कहिए, कहीं भी कहिए, जो आपका टमी निकलने का रीजन होता है वो भी यही होता है कि मसल्स को जितना एनर्जी चाहिए, फिर आपके हर ऑर्गेन को ब्लड सप्लाई चाहिए। आपके हार्ट के अपने मसल्स होते हैं उसके लिए अलग से ब्लड सप्लाई होती है, किडनी लीवर जितने भी चीजें होती है सबके लिए ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई में फ्लूइड के साथ में न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं। तो जब आपको ये सब प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका मतलब है दिस इज अ इशू, और वो लंबे टाइम के लिए हो रहा है, कोई दो दिन में बीमारियां नहीं होती हैं। इसका मतलब आपका 15-20 साल से गड़बड़ है सिस्टम में, मतलब आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं हर एक को नेगेटिव बोल रहा हूँ, योगा को बोल रहा हूँ, बट मैं किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता हूँ। अगर कोई करना चाहता है तो इन मॉडरेशन कर सकते हैं, पर इसके अलावा कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो एनर्जी को बढ़ाता हो। देर आर पीपल जो रेगुलर योगा करते हैं, 10 साल से योगा इंस्ट्रक्टर है, दे ऑल्सो कम बैक एंड सीक दिस काइंड ऑफ हेल्प। ठीक है, सो मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देता हूँ। आपका ये नंबर व्हाट्सएप पर है, तो आपके खाने पीने का टाइम होगा उसमें जो फ्लूइड इंटेक है वो ऑलमोस्ट डेली वेरी करने का है, क्योंकि आपका बॉडी के अंदर जो इम्बेलेंसेस होते हैं ना वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से ठीक होते हैं। उसका एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। आपने वो नमक पानी का पढ़ा है कहीं पर मेरे आंसर्स में? देखो आप इस तरीके से समझो, आपने एक गिलास या कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लिया, उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया। अब आपने उसको टेस्ट करके देखा, आपको नमक ज्यादा लग रहा है, आपको कम करना है, कैसे करेंगे? पानी को बढ़ा देंगे। अगर आपको नमक को कम लग रहा है और नमक को बढ़ाना है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पानी और नमक का मिक्सचर लेंगे और नमक उतना ही डालना है, तो पानी को कम ले लेंगे तो नमक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप फ्लूइड को कम करेंगे तो मिनरल्स बढ़ेंगे, फ्लूइड को बढ़ाएंगे तो मिनरल्स कम हो जाएंगे। आपकी बॉडी में बीमारी का मेन कारण होता है फ्लूइड इम्बेलेंस। तो जब आप इसको करना शुरू करते हैं कि एक दिन आपने पानी पी लिया, एक दिन पानी बंद कर दिया, तो आपकी बॉडी में जितने मिनरल्स का इम्बेलेंस होता है वो खत्म हो जाता है। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे मतलब दिन और रात होता है, रात को हम खाना पीना नहीं करते, वो डिहाइड्रेशन फेज होता है, हम उसमें गड़बड़ करने लगते हैं, अपने रूटीन्स को मतलब चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का सिस्टम बिगड़ जाता है। और आपको कुछ भी हो, आपको वॉमिटिंग हो, कुछ भी हो, बीच में पानी मत पीजिए, खाली पेट पानी को थोड़ा सा अवॉइड करिए और चाय बिल्कुल बंद करने की कोशिश करिए। ठीक है, कुछ और नहीं, कुछ होगा तो मैं आपको लिंक्डइन पे मैसेज कर। हाँ, व्हाट्सएप पर, ये नंबर व्हाट्सएप पर है ना? Yes. हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिंक्डइन फिर भी कई बार मैसेज वगैरह नहीं देखे, मतलब एक दिन में एक आध बार कहीं चेक करते हैं, तो व्हाट्सएप विल बी बेटर ऑप्शन, या आप कॉल भी कर सकते हैं कभी भी। ओके, थैंक यू।